अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के 4 का 16 नंबर यानी पार्ट 7, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे एक ट्रिक है छोटा सा, ताकि मैथ एकदम इन शॉर्ट हो। क्या करेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, 1/a + b + x, इस x को इक्वल के इस पाले क्या जाएंगे तो प्लस में, तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/x इक्वल टू इक्वल का इक्वल 1/a जैसा है इसको ऐसे उतार देंगे प्लस 1/b जैसा है उसको उतार दें। अब क्या करेंगे डियर, इन दोनों एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा x (a+b+x) इक्वल टू, यहाँ का एलसीएम लेंगे तो ए भी हो जाएगा, तो ए कैंसिल तो बी हो जाएगा प्लस बी भी कैंसिल तो ए कम ए। अब यहां देखेंगे ए पूरा डिजिट सेम है तो कट गया, क्या बचेगा सिर्फ ए बच, एक्स बचेगा, एक्स कम एक्स माइनस एक्स कैंसिल तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस एक्स, वन से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, ए होगा प्लस बी होगा प्लस एक्स होगा। और अब क्या करेंगे ब्रैकेट को हटा देंगे, एक्स का एक्स माइनस ए का ए माइनस प्लस माइनस बी फिर माइनस प्लस माइनस एक्स बटे में इसको गुणा करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है तो ए बी लिख दिए, नीचे तो ए बी है ही है ए प्लस बी, ऊपर क्या है क्योंकि ए प्लस बी है तो हम दोनों जगह प्लस है ना, इसलिए हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखते हैं आगे, एक्स माइनस में है एक्स प्लस में तो ये कैंसिल होंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या बचेगा भैया, देखिए हम ए का ए तो माइनस माइनस प्लस बी बटे में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ भी है बटे ए बी। तो देखिए एक तरफ से देखा जाएगा तो इसे ब्रैकेट कर दो तो दोनों सेम सेम है क्या, दोनों सेम है तो इसका हम काट देंगे इक्वल के, इक्वल के राइट लेफ्ट में अगर सेम साइन रहे और सेम रहे डिजिट, देखिए आप माइनस से बाहर में है इस डिजिट को देखिए और यहाँ देखिए, तो दोनों हम कैंसिल कर देते हैं क्या माइनस वन बचा, क्या बचा माइनस वन, ये माइनस वन बचा और क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ वन बजा ऊपर ए बी। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन से गुणा करेंगे सॉरी इसको छूट गया था, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ए बी कम ए बी। चलिए इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे क्या करेंगे हम लोग सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो जब सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो इसको हम लोग इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करेंगे सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, उसे क्या ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और बचा क्या इक्वल के इस पार क्या माइनस में है इक्वल के इस पार आया तो क्या प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए बचेगा प्लस यहाँ बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। देखिए एक चीज देखिए यार दोनों सेम सेम है तो दोनों में से एक को ले लेंगे इंटू क्या बचेगा एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। फिर डियर इसको क्या करेंगे हम लोग आइदर कर देंगे तो एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो इसीलिए एक्स बराबर माइनस ए, अगेन अगेन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी, दूसरा एक आंसर ये है दूसरा माइनस से माइनस बी आपका आंसर हो गया। तो डियर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 17 नंबर क्या कह रहा है कि x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस इंटू में 5 है
एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए प्लस सिक्स। अब देखते हैं कि यार दोनों सेम है, देखिए सेम लग रहा है ना, जब भी दोनों देखेंगे सेम हो तो वहां क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट लेट एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू, देखिए इक्वल टू में एक्स भी नहीं मान सकते हैं लेट में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक्स है, ए भी नहीं मान सकते क्योंकि वो इसमें शामिल है, तो क्या ले सकते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स तो नहीं ले सकते ना, वाई जेड क्यू पी जो भी ले सकते हैं, तो हम ये क्या मान लेंगे, वाई मान लेते हैं। अब इस इसके बदले में वाई मान लिए तो इसी लाइन को हम क्या करेंगे, दोबारा नीचे उतारेंगे, उसी को दोबारा उतारेंगे, तो उतारेंगे तो इसका इसके बदले में क्या माने, वाई माने हैं, तो आप वाई लिखेंगे, इसके बदले वाई लिखेंगे, तो नाउ इसके बदले वाई लिखे हैं तो वाई लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर माइनस पांच है पांच, ये पूरा टर्म के बदले में क्या माने, वाई माने हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। जी इसी लाइन को हम लोग इसी को क्या के इस फॉर्म में लेके आ गए, अब क्या करेंगे, मिलियन फैक्टर कर देंगे, तो तीन दुना छः, ये तो आसानी से आप कर सकते हैं, तीन दुना छः का मतलब तीन आठ तो पाँच हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं होगा यहाँ वाई होगा, एक्स लेके आठ हो गए ना, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, वाई, तो वाई प्लस थ्री माइनस टू कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस माइनस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दोनों सेम है, सॉरी या माइनस होगा ना, तो माइनस है तो दोनों सेम है, तो y माइनस थ्री टू है ना, टू होगा जी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, y की जगह में फिर उसके असर चीज आकर उसको दे देंगे, तो नाउ इसको आइदर करते पहले, तो चलिए इससे पहले आइदर ही कर लेते हैं, आइदर तो क्या जाएगा, y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस में तो थ्री क्या प्लस में जाएगा, तो अब y की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो यहां y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू थ्री, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट कर दिए, तो y की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मान के चलिए नीचे वन है, तो नीचे वन है तो क्या करेंगे, x को अगर देखिए थ्री एक्स का थ्री एक्स माइनस थ्री ए का थ्री ए, उसी तरीके से यहाँ x से कम x प्लस a कम a, देखिए x को एक तरफ कर लेंगे तो थ्री एक्स एक्स से प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू, ए इधर पहले से है और माइनस थ्री है तो क्या जाएगा प्लस थ्री है, तो देखते तीन एक्स में जाएगा, जाएगा तो दो एक्स इक्वल टू तीन एक चार ए, तो हम क्या एक्स का वैल्यू इक्वल टू चार ए बटे दो, तो दो एक आंसर दो दूना चार, इसीलिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टू ए, एक आंसर आपका ये हो गया, टू एक आंसर आ गया।